दिलल एंड टॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं ललन टॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा ललन टॉप क्विज लाइव ललन टॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इस वर्ल्ड कप के लिए अभी क्वालिफायर्स चल रहे हैं। इन क्वालिफायर्स के जरिए कई ऐसी टीमों को मौका मिल रहा है जिन्होंने पहले कभी इस इवेंट में नहीं भाग लिया। इन टीमों में से कुछ ऐसी टीमें हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा ले रही हैं। इनमें से कई ऐसी भी हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी एक टीम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने केन्या को 45 रन से हराकर वर्ल्ड कप में एंट्री कर ली है। इस ग्रुप की दूसरी टीम नीदरलैंड्स के पास इन्हें रोकने का मौका था, लेकिन वह चूक गए। अगर नीदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड के खिलाफ हुआ अपना मैच 12.3 ओवर्स में जीत लिया होता तो वह डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते, जबकि पापुआ को इंतजार करना पड़ता। हालांकि नीदरलैंड्स के पास अभी भी मौका है। वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमें तय हो गई हैं, जबकि 4 जगहें अभी बाकी हैं। ये हो गई क्वालिफायर्स की बात। अब मैच की बात करें। तो पहले बैटिंग करने उतरी पापुआ की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 4 ओवर में सिर्फ 19 के टोटल पर उन्होंने अपने 6 विकेट गंवा दिए। ऐसे में लगा कि वह ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन से चूक जाएगी, लेकिन यहां से नॉर्मन वनुआ नाम के उनके प्लेयर ने टीम को संभाला और शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। वनुआ ने 48 बॉल्स पर 54 रन बनाकर पापुआ को 118 के टोटल तक पहुंचाया। जवाब में खेलने उतरी केन्या ने अच्छी शुरुआत की। पहला पावर प्ले खत्म होने तक उन्होंने 1 विकेट पर 40 रन बना लिए थे। इसमें इरफान करीम की 22 बॉल पर 29 रन की पारी भी शामिल थी। हालांकि इसके बाद उनका पतन शुरू हुआ। कोलिंस उबुआ 10 रन और अमन गांधी 14 रन के अलावा कोई भी केन्याई डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया। पापुआ के लिए असद वाला ने 7 रन देकर, जबकि नोसेना पोकानो ने 21 रन देकर 3-3 विकेट्स लिए और केन्या की टीम 73 पर सिमट गई। ये तो हो गई मैच और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात। अब आपको बताते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। कम ही लोग इस देश के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यह चर्चा में कम रहता है। पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश यानी आइसलैंडिक नेशन, ऐसा देश जिसका ज़्यादातर एरिया, यानी कहें कि चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है, जैसे कि फिलीपींस हो गया। कुल 462,840 वर्ग किलोमीटर एरिया वाला यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। पापुआ दुनिया के सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक विविधताओं वाले देशों में से एक है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों वाले देशों में भी शामिल है। पापुआ के सिर्फ 18% आबादी अर्बन इलाकों में रहती है, यानी कि बचे हुए 82% लोग गांव, जिसे हम गांव कहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां बेसिक सुविधाओं की भी बहुत कमी, जैसे सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि की भी बहुत कमी है। ऐसे इलाकों में यहाँ की 82% जनता रहती है। अब इस देश में कुल 851 ज्ञात भाषाएं हैं, जिनमें से 10 से ज़्यादा ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाला कोई नहीं बचा है। इस देश की कुल आबादी 80 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, यानी 8 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा आबादी वाले इस देश के ज़्यादातर लोग कबीलाई संस्कृति में रहते हैं। या जो कबीले हैं या इनकी भाषाओं की तरह विविधता से भरे हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा इनकी भाषाएँ हैं उतने ही ज़्यादा तरीके के इनके कबीले भी हैं। यह सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे कम खोजे गए देशों में से एक है। अगर आपने यह वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सूरज, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। ललन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।